नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीके। नसरुल्लागंज सरपंच ग्राम का मुखिया होता है, जिसे ग्राम विकास के साथ ही प्रशासन द्वारा चलाई जा रही योजनाएं क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना होता है, जबकि शासकीय सेवक के रूप में सचिव होता है, लेकिन इन सेवकों का ग्रामीणों की ओर जरा भी ध्यान नहीं है। जनपद पंचायत नसरुल्लागंज के अंतर्गत बोरखेड़ा कला के ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 5 साल से ग्राम में सफाई नहीं हुई है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम डेंगू जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, विगत दिनों सैकड़ों डेंगू मरीज मिल चुके हैं, लेकिन पंचायत फिर भी नहीं जागी और ना ही पंचायत में कोई सफाई अभियान चलाया गया। वर्तमान में भी लगभग 2 दर्जन लोग डेंगू पीड़ित हैं। जब मीडिया द्वारा ग्राम में पहुंचकर देखा गया तो गांव की स्थिति बद से बदतर नजर आई। सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, इसके साथ ही नालियां भी चौक हैं। इस ओर अधिकारियों का भी ध्यान नहीं है, जिसके कारण मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं। मेरा नाम पवन शर्मा, मुझे डेंगू है और मेरे घर पे फैमिली में 8-9 को मतलब डेंगू है और मेरी नाली आज 7 साल सरपंची हो गए, पर एक बार भी मेरे घर की नाली अभी तक साफ़ नहीं हुई। एक बार भी कभी नहीं आए, मैं खुद साफ़ करता हूँ। एक रामस्वरूप चाचा साइड वाले, हम दोनों साफ़ करते हैं हर महीने 2 महीने में, मैं खुद साफ़ करता हूँ। मेरा साफ ही नहीं हुई होती, वो मेन रोड की नाली पर थोड़ी सी होती है नाली साफ, इधर कभी नाली साफ। सरपंच बोल दिया कभी नाली साफ नहीं, मैं खुद साफ़ करता हूँ। क्या साफ करते हैं तो वो कचरा वहीं फेंक देते, उसको भर के नहीं फेंकते। और आस पास के क्या वो कचरा बोलते हैं बोला। आपके ग्राम में कितने डेंगू मरीज हो सकते हैं? मिनिमम तो रहते 200 होंगे अपने यहाँ पे। 200 होंगे, हाँ 200 तो होंगे। बोरखेड़ा में 200 के लगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई क्या? आई थी जस्ट अभी थोड़े 1 घंटे पहले। क्या जांच हुई है? और लारो वगैरह तो कुछ नहीं मिला घर पे हमारे, सब चेक कर लिया, तेल वगैरह डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, पर लारो वगैरह कुछ नहीं मिला घर पे। नाली उन पे है गांव में। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। क्या है जो आपके हाथ में पट्टी लगी, क्या परेशानी? ये बाटल चढ़ रही डेंगू होगा। कितने लोग, कितने सदस्य हुए आपके यहाँ? 8-9 है। क्या किस कारण से, कुछ कारण वगैरह पता है? कारण तो मालूम नहीं है, कैसा हुआ या कैसा नहीं हुआ। क्या पाया उन्होंने? लारो वगैरह कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला उनको, कुछ भी नहीं। राकेश शर्मा, बोरखेड़ा कला। क्या समस्या है ये आपके हाथ में लगी पट्टी? डेंगू की समस्या है सर। कितने हो गए परिवार में? परिवार में 9 सदस्य हो गए सर। 9 सदस्य, हाँ। एक महीने से ही परेशान। कहाँ इलाज चल रहा है आपका? नसरुल्लागंज के हॉस्पिटल में, सरकारी। क्या कारण है डेंगू? खबर समय जगत के लिए नसरुल्लागंज से हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।